Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine at home. I am Lakshmi and we are doing lesson 10, what is cooking? Okay, let's start. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? यानी कि आपने कभी किचन में चपाती या कहीं भी रोटी बनते हुए देखी है? चपाती को क्या बोलते हैं? रोटी बोलते हैं. ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. चपाती बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि टेकिंग आउट फ्लोर इन आर यूटेंसिल्स. आटे को लेना है एक बर्तन में, देन नीडिंग इट इंटू अ डो. फिर उसका क्या बनाना है? डो तैयार करना है. कैसे करेंगे? पानी मिक्स करके उसको डो बना लेंगे. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो. फिर छोटे छोटे उसके बॉल्स गोले कर लेते हैं. रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, है ना? फिर गोल गोल उसको बेल लेते हैं और गैस ऑन करके तवा रखेंगे और उसके ऊपर हमारी जो हमने रोल आउट किया है बॉल्स को उसको सेकेंगे, है ना, तवे के ऊपर. आफ्टर सो मच एफर्ट्स द चपाती रिचेस इन आवर प्लेट. इतनी मेहनत करने के बाद एक चपाती बनकर तैयार होती है और वो मम्मी हमें खाने के लिए देती है ना. नाउ सी एंड राइट. गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड. व्हाट ऑल वॉज डन टू कुक इट. अब आपको किचन में जाना है, क्या ऑब्जर्व करते हैं वहां पे? ये जो ब्लैंक दिया है ना आपको, ये बॉक्स वाला, इसमें आपको लिखना है. लाइक मैंने राइस कैसे बनती है, नेम ऑफ द आइटम. तो मैंने राइस कैसे बनाते हैं वो लिखा है. आप दाल लिख सकते हैं, सब्जी लिख सकते हैं, केक लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है आप लिख सकते हैं ना. तो राइस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? राइस, सॉल्ट, घी, वाटर, है ना. अब इसके स्टेप्स भी लिखने हैं कि किस तरह से आप बनाएंगे. नंबर वन, टेक वन बाउल राइस. एक कटोरी में राइस लेना है और सोक इट फॉर 20 मिनट्स. फिर उसको भिगा कर रख देना है. किसको? राइस को अच्छे से वॉश करके भिगा कर रख देना है. नंबर थ्री, बॉइल द वॉटर. अब पानी को बॉइल करना है. ओके, नाउ नंबर फोर स्टेप, एड राइस, घी और ऑयल, अ लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट. अब आप क्या करेंगे, जब बॉइल हो जाता है पानी, उसमें क्या करेंगे? राइस डालेंगे और उसमें ऑयल या घी डाल के, सॉल्ट डाल के उसको पकने के लिए रखेंगे. फिफ्थ स्टेप में, कुक इन सिमर कवर्ड. यानी कि गैस जो है वो आपकी तेज नहीं होनी चाहिए, उसको सिम करके उसको थोड़ा कवर करके रख देंगे. सिक्स नंबर, इट इज रेडी इन 15 मिनट्स. और 15 मिनट्स में आपके राइस रेडी हो जाएंगे, है ना. तो ये मैंने क्या बना दिया? राइस बनाया. इसी तरह से आप अपना कुछ भी आइटम बना सकते हैं. ओके, नाउ यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज. सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड व्हाइल सम आर स्टीम्ड. तो कुकिंग करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं. कुछ को हम फ्राई करते हैं, कुछ को हम बेक करते हैं और कुछ को हम स्टीम करते हैं. तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीजें को हम किस तरीके से बनाते हैं. लाइक इडली है तो इडली को स्टीम करेंगे, है ना. और जैसे कि आप फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे? फ्राई करेंगे. पीनट्स से आप रोस्टेड भी करके खा सकते हैं, है ना. तो अलग अलग आइटम्स को आप अलग अलग वेज से, यानी अलग अलग तरीके से बनाकर खा सकते हैं. ओके, नाउ थिंक एंड राइट. आपको सोचना है फिर लिखना है. गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. ठीक है, यहाँ पे तरह तरह के मेथड है कुकिंग के. राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स. एड सम मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिव एग्जाम्पल. अभी यहाँ पे टेबल दी है, मेथड ऑफ कुकिंग एंड नेम्स ऑफ थिंग्स. ओके, चलो फर्स्ट मेथड देखते हैं. रोस्टिंग लिखा है, तो रोस्टिंग में आप क्या कर सकते हैं? नेम्स ऑफ थिंग करेंगे, ब्रेड और कॉर्न आप रोस्ट कर सकते हैं. नाउ बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या करेंगे? पोटैटो एंड ब्रोकली आप बॉइल कर सकते हैं.
नूडल्स भी आप बॉईल करके खाते हैं, है ना। फ्राइंग, फ्राइंग में आप पूरी खाते हैं, पूरी बनाती है मम्मी तो फ्राई होती है वो तेल में, समोसा है वो फ्राई होती है, है ना, भजिया है वो भी फ्राई होती है। तो जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेकिंग, बेकिंग में क्या होता है, केक, केक को क्या करते हैं बेक, एंड बिस्किट, है ना, बिस्किट को भी बेक करते हैं। नेक्स्ट हम मेथड लिखते हैं स्टीमिंग, स्टीम में क्या करेंगे इडली एंड ढोकला। ये कैसा मेथड होता है इसको पकाने का, स्टीम करके पकाते हैं। नेक्स्ट मेथड इज ग्रिलिंग, ग्रिलिंग इज अनदर मेथड, एक और तरीका है कुक करने का। इसमें आप पनीर को आप ग्रिल कर सकते हैं, सैंडविच को आप ग्रिल कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज योर टुडेज होमवर्क, डू इन द टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, इट इज ऑन पेज नंबर 65। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।